हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बठिंडा से अम्बाला के बीच में डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के पार्ट टू में। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बठिंडा में जाने से पहले धूरी में एंटर कर रहा हूँ मैं। अम्बाला से लेकर धूरी तक का सेक्शन वन बना दिया था। सेकेंड पार्ट में इस समय अपनी ट्रेन जो है वो धूरी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर एक से जो है वो डिपार्चर कर रही है। गाड़ी संख्या 4547 अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से ट्रेन चल रही है। आप देख सकते हैं धूरी में भी काम चल रहा है, इसलिए एग्जिट जो है वो अलग, उसके लिए अल्टरनेट वे जो बनाया गया है। साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पे जो है वो ऑफिसर के साथ साथ सबऑर्डिनेट रेस्ट हाउस भी देखने को मिल सकते हैं हमें। तो धूरी जंक्शन से आप निकलते हैं, यहाँ से एक लाइन जो है वो लुधियाना के लिए निकलती है और एक लाइन हिसार से आती है। सेकेंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अमृतसर दादर के बाद अपने को गुड्स ट्रेन के साथ मिलता है। और सामने तो निकलने के बाद अपने को मिलते हैं WAG-12। और सामने आप देख रहे हैं रोजर जंक्शन के साथ एक जो है वो गुड्स ट्रेन आ रही है। यहाँ पे डबलिंग हुई नहीं है, हालांकि सिंगल लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि किला रायपुर से जो है वो गिल या लुधियाना तक जो है वो डबलिंग अभी एकदम प्रस्तावित और काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस सेक्शन को भी कभी मैं फिर कवर करूँगा। ये देखिए सेकेंड लाइन आ गई है, लेकिन ये काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिस प्रकार राजपुरा में एंट्री पे कट था वैसे ही कट यहाँ पे लगा, यानी यहाँ तक आती है डबलिंग में, आगे फिर मेन पे चली जाती है लाइन। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए लगातार पोल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है, डबलिंग भी कंप्लीट है। दूरी से देखते हैं कहाँ तक ये जो है वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए दोनों सिग्नल ऑन है, इसका मतलब डबलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रकार की पट्टियाँ आपको मोज़ेक में दिखेंगी, अलाल रेलवे स्टेशन आ गया। इसका मतलब क्या है? दोनों प्लेटफॉर्म बनाए जा चुके हैं, दोनों की लूप लाइन बनाई जा चुकी है, मेन लाइन भी बनाई जा चुकी है और नई बिल्डिंग आपको उस रेलवे स्टेशन की कुछ इस प्रकार से दिखेगी जैसा कि अपने पिछले कई स्टेशनों पर देखा है। तो अलाल रेलवे स्टेशन के बाद अपने सेखा से भी डिपार्चर कर रहे हैं इस समय। तो सेखा में भी सेम है, प्लेटफॉर्म दो बन चुके हैं, दो लूप लाइन है, दो मेन लाइन है और स्टेशन नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा चुकी है। अलाल और सेखा से निकलने के बाद इस समय अपनी ट्रेन सेम वैसे ही पोजीशन आपको बरनाला रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। कभी बरनाला रेलवे स्टेशन भी मेन लाइन के ऊपर प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन उसको हटा के पीछे कर दिया गया है और एक लूप लाइन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बना दी गई है। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर दो पर लगाई जा रही है, देख सकते हैं आप, दो लाइनें बीच में और दो लाइनें लूप लाइनें प्लेटफॉर्म पे। तो बरनाला में भी दो प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा काम यहाँ पे छोटा मोटा काम देख सकते हैं आप हो रहा है अभी भी। कुछ वर्कर्स जो है वो बरनाला रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकोफिकेशन का काम दूरी से अलाल सेखा बरनाला के बीच में कर दिया गया है। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो दो से डिपार्चर कर दी है। तो ये कुछ नई बिल्डिंग, ये साथ में आपको पुरानी बिल्डिंग भी बरनाला रेलवे स्टेशन पर जो है वो देखने को मिल सकती है। ये नहीं बिल्डिंग बरनाला के बाद इस समय अपनी ट्रेन जो है वो एंटर कर रही है अगले स्टेशन की तरफ। 114 किलोमीटर का स्ट्रेच अपने कंप्लीट कर लिया गया है। SSP ये सब स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है। देखते हैं कौन से स्टेशन, हंडियाया में एंटर कर रहे हैं अपने। तो हंडियाया में भी जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं कम्प्लीट है। यहाँ तक हंडियाया तक इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट, और यहीं से पावर जो है इस SSP से जो है पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पावर जो है वो दी जा रही है। काफ़ी बड़ा बनाया गया है। यहाँ पे भी सेम ही पोजीशन है, प्लेटफॉर्म नंबर दो या एक सामने आपको दिख रहा है, चार लाइनें हैं। नया जो है वो बिल्डिंग भी बनाई जा चुकी है। तो हंडियाया तक जो है वो कंप्लीट कर लिया गया इलेक्ट्रिफिकेशन धूरी से हंडियाया तक। लेकिन हंडियाया से आगे निकलने के बाद अब देखिए अपनी ट्रेन ने जो है वो लूप लाइन के ऊपर जो है वो ट्रैक ले लिया, यानी अभी यहाँ पर काम बाकी है। इस तरफ अब देखिए आप, ये रेलवे ट्रैक जो नया बिछाया जाना है। हंडियाया में पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि अपने जो है वो लेफ़्ट साइड के अंदर जो है वो ट्रैक आता है, जो अभी तक अपने राइट साइड में था वो अभी तक जो है लेफ़्ट साइड में कुछ दूरी तक चलता है, लेकिन बीच में पोल आने देखिए स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पोल आने अगर स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब है हो सकता है रेलवे ट्रैक इस तरफ आ गया हो। देखिए अब इस तरफ आ गया, ये रेलवे ट्रैक बनाया जा चुका है देखिए, लेकिन उसके बीच में नया ट्रैक भी बिछा दिया गया है। या ये ऐसा हो सकता है कि पहले का जो रेलवे ट्रैक था वो पुराना था। इस समय अपने तपा रेलवे स्टेशन पे है, देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग है, पूरा हाल दिखा दो। तपा में आप देखिए ऊपर मास्ट देखिए कहाँ लगी हुई है। तपा में तीन रेलवे ट्रैक है इस समय और अपने मेन रेलवे ट्रैक के ऊपर है। और जो ये ट्रैक आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ऊपर देखिए मास्ट वायरिंग यहाँ लगी हुई है, यानी इस रेलवे जो ये प्लेटफॉर्म बचा हुआ है यहाँ पर एक नया रेलवे ट्रैक बनेगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर सामने देखिए जो जहाँ पर वो लोग चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म अलग से बनेगा और मेन लाइन ये रहेगी, एक मेन लाइन अपनी रहेगी और दूसरी लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाएगी। श्री गंगानगर से अम्बाला एक्सप्रेस स्पेशल ये अपने को यहाँ पे मिलती है, इसलिए अपनी ट्रेन को कुछ देर के लिए यहाँ पे
रोक दिया जाता है। तो तपा में अभी जो है वो काम हुआ नहीं है, इसका मतलब है ना तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो चुका है, डबलिंग नहीं हुई है। डबलिंग के साथ साथ अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक को भी फाड़ के जो है वो एक नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म को जो है वो पीछे की तरफ ले जाया जाएगा। और तपा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप देखिए यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ। देखिए जेटू के रेलवे स्टेशन सेम पोजीशन है, और यहाँ पे तो अभी जो है वो ट्रैक भी लाइन ही किया है, मतलब स्लीपर ही नहीं बिछाएंगे, सिर्फ जो है वो गिट्टी डाल के बेड बनाया गया है डाउन लाइन के लिए बठिंडा से अम्बाला के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का पोल जो है लग चुके हैं, और हो सकता है इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगभग कंप्लीट कर लिया गया। इस समय अपनी ट्रेन जो है वो जेटू के से आगे आ गई है, रामपुरा फूल में अपनी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे सेम पोजीशन देखिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा नया, ये दीवार, और प्लेटफॉर्म से इस तरफ जहाँ पे लोग चल रहे हैं इसको हटा के यहाँ पे ये वीटीओ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लूप लाइन लगेगी। अपनी ट्रेन अभी मेन लाइन पे खड़ी है, स्टॉप का सिग्नल आ गया है, अपने रामपुरा फूल से आगे निकल चुके हैं, और यहाँ पे भी देखिए काम चल रहा है लगातार, पर यहाँ पे सिग्नल ऑन है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग कंप्लीट कर ली गई है। और एक रेलवे ट्रैक जो है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, शायद अपने जो है वो लहरा मोहब्बत में है। जी हाँ, ये रेलवे ट्रैक जो है वो जा रहा है थर्मल की तरफ, और दूसरा रेलवे ट्रैक वहीं से आ रहा है। तो लहरा मोहब्बत में देख लीजिए आप, डबलिंग कर ली गई है, जिस प्रकार से सिग्नल पे अगर लाइट काम कर रही है इसका मतलब लहरा मोहब्बत में चारों के चारों प्लेट यहाँ पे, पर प्लेटफॉर्म बनाया नहीं गया, सामने प्लेटफॉर्म नहीं बना है, मतलब प्लेटफॉर्म काम चल रहा है लहरा मोहब्बत में, और इस तरफ पुराना प्लेटफॉर्म ही है अभी भी, लेकिन डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद देखिए अभी आपको सिग्नल दिखा एक, यानी लहरा के बाद दोबारा से डबलिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। ये कहाँ तक मिलेगा ये आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो लहरा से निकलने के बाद इस समय अपनी ट्रेन जो है वो एंटर कर रही है अगले रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ पे देखिए क्या शानदार फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, आई थिंक ये बुच्चू रेलवे स्टेशन, बुच्चू रेलवे स्टेशन पे देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर एक, और ये साफ दिख रहा है कि नया बिल्डिंग बनाई गई है, और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो और एक ये बठिंडा छावनी में आ गए हैं। तो बुच्चों से बठिंडा कैंट के बीच में भी डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट कर लिया गया है, यानी लहरा से काम स्टार्ट हुआ था, लहरा से फिर बुच्चों, और बुच्चों से बठिंडा कैंट, बठिंडा कैंट में भी दो प्लेटफॉर्म हाई लेवल के बन चुके हैं, चार रेलवे ट्रैक। यहाँ पे काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक हैं क्योंकि काफ़ी सारी लाइनें यहाँ से निकलती हैं, और बठिंडा कैंट से परली तरफ बाईपास भी निकलता है जाखल वाले सेक्शन के। इस समय अपने बठिंडा में एंटर कर रहे हैं, आउटर पे अपने को मिलती है गाड़ी संख्या 12486। हफ्ते में दो बार ये ट्रेन जो है वो अबोहर के रास्ते धूरी के होती हुई जाखल, दिल्ली, भोपाल, इटारसी, अकोला के रास्ते चलती है, और ये ट्रेन भी क्योंकि डिपार्चर कर रही है तो डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे भी हो चुका है। इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ था, मतलब बठिंडा कैंट से बठिंडा कैंट, बठिंडा जंक्शन में भी जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है डबलिंग का काम, और अपनी ट्रेन अब बठिंडा रेलवे स्टेशन पे एंटर कर रही है, सामने डिपार्चर कर रही है 5:10 पे बठिंडा रेवाड़ी, बठिंडा से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन जो शाम को चलती है वो डिपार्चर कर रही है, और अपनी ट्रेन को जो है वो लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपने ट्रेन को लिया गया है। तो आज की छोटी सी रेल अपडेट थी पार्ट 2, दूरी से बठिंडा के 92 किलोमीटर के सेक्शन पर डब्लिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारा समय और मेहनत आपके लिए की जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे की किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।